नमस्ते एंड वेलकम टू हिंदुस्तानी तड़का। आज एक बार फिर से एक नए एपिसोड में आ रहे एक नई रेसिपी के साथ, जो है आम की खटमिट्ठी। तो आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए होगा कच्चा आम 1 केजी, जिसे छील के इस तरह से काट लेंगे। 1 केजी आम के लिए चाहिए होगा 750 ग्राम चीनी, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काला नमक भी, साथ ही चाहिए आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो कि होगा कश्मीरी मिर्च। साथ ही चाहिए होगा 1 छोटा चम्मच सौंफ, बिल्कुल साबुत दाना, और 1 छोटा चम्मच जीरा, वो भी साबुत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे, ताकि इसमें हमें हमारा खटमिट्टी जो है वो जलेगा नहीं। गैस ऑन करेंगे, 1 मिनट गर्म होने देंगे और फिर ऐड कर देंगे हमारा कच्चा आम जो हमने काट के रखा है, और साथ ही इसके अंदर मिला देंगे चीनी 750 ग्राम। और अब हमें इसी चीनी में इसे पकने देना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे तो चीनी अपने आप चाशनी बन जाएगी और आम भी इसी के अंदर पक जाएगा। इस खटमिट्ठी को बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं अगर बच जाए तो। इस तरह से थोड़ा स्टार्टिंग में चलाते रहें ताकि ये इसमें चिपके नहीं। इसमें बिल्कुल भी ऑयल का कहीं पे भी यूज़ नहीं है, बस इसे हमें चाशनी में ही पकाना है। अब देख सकते हैं ये चीनी चाशनी बन चुकी है। अब इसमें उबाल आने देंगे, इसे ढक के भी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से उबाल आने लगे, फिर इसके अंदर मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ ही आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, और इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर मिलाएंगे नमक 1 चम्मच और थोड़ा सा काला नमक जस्ट फॉर द टेस्ट। और अब इसे हमें थोड़ी और देर और पकाना है, जब तक कि आम गल ना जाए और हमारी खटमिट्ठी बन के तैयार हो जाएगी। ये मैंने काला नमक ऐड किया है इसमें। अब ऐड करेंगे सौंफ और जीरा बिल्कुल एंड में, 1 चम्मच सौंफ और जीरा लिया है, इसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे, और चाशनी में आम ऑलमोस्ट पक चुका है, उसे थोड़ी देर और पकाएंगे और ये हो जाएगा रेडी। अब देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल उबल रही है। आप चाहे तो इसे इस तरह से उठा के चेक भी कर सकते हैं, ये कंसिस्टेंसी इसकी रनी कंसिस्टेंसी है। जब इस कंसिस्टेंसी पे ये आ जाएगा, देख सकते हैं, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा करके इसे आप किसी बर्नी में भर लें या ऐसे भी रख के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट फीडबैक में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।